राजेश पालवे जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? दो विनीत जी, पहला स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें लगता है हमें यहाँ पे मारुति के साथ जाना चाहिए। मारुति में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे पिछले 5 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्पेस में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, मारुति में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है और हमें लग रहा है मारुति फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट 10,500 10,550 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 10,320 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें हमें लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिले और स्टॉक में एक अच्छी नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है विथ वॉल्यूम एक्शन। सेंचुरी टेक्सटाइल हालांकि पहले एफएनडब्ल्यू का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम है, हमें लगता है ये स्टॉक में आज के सेशन में 1,175 1,180 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1,120 के आसपास। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये इस समय की बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपकी दो ट्रेड्स? अनु जी, देखिए, दो ट्रेड में से पहला रहेगा एस्ट्रल। मेरे हिसाब से एस्ट्रल में जो रनिंग करेक्शन है वो ओवर हो चुका है और यहाँ से एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। तो 1870 के 1870 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल को बाय करें। एज पर एज द चार्ट्स आर कंसर्न, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1935 टू 1940। आई थिंक ये स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा, सो एस्ट्रल ये बाय करेंगे। और सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा यूपीएल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था 615 का, जो इसका 50 DMA था। तो यूपीएल में देखिए 50 DMA का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 612 का और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 634। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय एक